अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र हम सब खैरियत से, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह और उसके हबीब और प्यारों के सदके में जायके की तलाश में आज जो रेसिपी लेके मैं और मियां साहब और मेरी टीम हाज़िर हुए हैं वो है मक्खनी शाहजहानी रोस्ट। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है वीडियो के थ्रू कि मियां साहब ने 2 अदद मुर्ग लिए हैं और उनको उन्होंने ये मक्खन में तैयार करना है। मसाले जो मैंने लगाए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको बता देते हैं। लहसुन अदरक के 2-2 बड़े चम्मच कट्ठा पीस के मैंने लगाए हैं। उसके बाद किसी अच्छी ब्रांड का रोस्ट मसाला लिया है। उसके बाद मैंने काली मिर्च, नमक और गरम मसाला जो था वो लगाया है और लेमन जूस। ये है बस इसके इंग्रेडिएंट्स। बाकी की जो चीज़ें करेंगे इसको तैयारी में वो मियां साहब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी मियां साहब। हाँ जी, पहले इसको जो एक्चुअली मैं तो इसको ये देखिए मैं बनाऊंगा जी मक्खन के साथ ना। मक्खन में जो है वो उसमें लौंग जाएगा, इलायची जाएगी, तेज पत्ता और जो है वो मोटा मसाला जो है दालचीनी वगैरह जी बिल्कुल उसमें ज़रा उसकी ये है कि वो फिर बाद में जो है ना वो खुशबू देता है। मीट अप जब खाते हैं कभी तो वो इसी में इसको देखिए मैं जो है ना वो मैं इसको बनाऊंगा। अब आप देखें जी बिल्कुल कि हमारी ये कोशिश या हमारा ये जायका जो है वो कहाँ तक आपको पहुँचता है और कितना जो है वो आपको अच्छा लगता है। बेशक इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि हम पहले रेसिपी खुद बनाते हैं, घर खाते हैं, अगर वो मजे की लगे बहुत मजे की लगे। मक्खन लगा दिया मैंने देखिए में, ठीक है, ये नरम होगा पिघलेगा तो इसमें मैं जो है वो मोटा मसाला लगाऊंगा। और फिर हमारे पास ये है इसके साथ इस चिकन रोस्ट के साथ नान जो है वो मैं बनाऊंगा। उसमें आपको पता है जो इसकी नान के आटे के लिए जो है वो चाहिए ये हेफे है। हाँ जी, आधा एक अंडा है, एक हेफे हेफे जो है वो आधा लिया मैंने और चीनी है और नमक है बस। और इसके साथ 2 चम्मच ऑयल जो है ना वो मैंने लिया है, ठीक है। ऑयल आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपका जी चाहे। मक्खन देखिए इसमें जब ये हम आटा बनाएंगे उसमें दूध भी लगाएंगे और पानी भी, इसको जो है गूंदना है या इसको दूध नॉर्मल टेम्परेचर का या नहीं टेम्परेचर का दूध और ये चीनी और नमक डाल दिया जी। ये फिर को जरा दूसरे ठीक है बर्तन में इसको जरा नरम कर लेते हैं, इसको इसका ये कागज उतार के बड़ी बड़ी ताकि ये खाने आटे में ना जाए इस तरह मुझे दे। ये पहले इसको जो है वो थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ये ताज़ा हेफे या फ्रेश हेफे बोलते हैं इसको। जी जी एक खुश्क भी होता है पाउडर की शक्ल में, पाउडर की शक्ल में पाउडर बेकिंग पाउडर भी लगा सकते हैं लेकिन हम लोग ये लगाते हैं फ्रेश ना जो टिकिया की शक्ल में मिलता है जैसे मक्खन की टिकिया आपको दिखाई हम लोगों ने तो इस तरह ये भी मिलता है।
अंडा पूरा मुकम्मल है ना, जर्दी और सफेदी। जैसे आप चम्मच से मिक्स करें, किसी जो है वो दूसरी चीज़ से मिक्स कर लें, चूँकि मैं हम लोगों ने खुद खाना है और हमें पता है कि हम साफ़ सुथरे हाथ हैं हमारे, और चीज़ को बनाने में जब भी कोई चीज़ बनाते हैं हम हाथ वाथ जो है वो सही उनको साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अपने घर की चीज़ों को बनाते हुए हाथ हाथ का इस्तेमाल जो है वो, मगर जब हमारा रेस्टोरेंट था तब भी मैं तो हाथ से जो है इसी तरह सफाई का, से कोई बीमार नहीं हुआ और किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, सब सेहतमंद हैं। और ये ऑयल चला गया, ये कितना आटा है, एक पैकेट है ना पूरा, एक पैकेट है, लेकिन इसमें मैं 3 पाव आटा लूंगा। ये 1 किलो है, ये 1 किलो है, इसमें ये जाएगा पानी, ठीक है। पानी नीम गरम या नीम गरम आप ले सकते हैं, बिल्कुल ठंडा भी ले सकते हैं, पानी का कोई ये इशू नहीं है इसमें। हाँ, ये कोई ड्रामे नहीं है, ओके, ठीक है। और ये मेरा हल पूरा लग गया है ना तकरीबन, इतना बचा के क्या करने क्या नान बन जाएंगे इसके। अब इसमें जो खड़ा मसाला हम ले रहे हैं वो दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े ले लिए थे, और तेजपात 2 पत्ते, और 4 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, और इसी तरह 10 से 12-15 काली मिर्च। ये सारा खड़ा मसाला या साबत मसाला जो है इसमें लगा देंगे मक्खन में। ये देखें, ये आटा मैंने लगाया। अच्छा, ये आटा YouTube में भी जो भी आटा बनाते हैं वो उंगलियां मार मार के खाते हैं कि ये हमने आटा बना लिया। तो मैंने भी कहा कि चलो इसमें वैसे जरूरत कोई नहीं होती, आपको गूंथते नहीं, उससे ये है कि देखने वाले जो कई बच्चियां बच्चे हमारे नए या शौक से सीखते हैं तो फिर अंदाजा हो जाता है कि इतना सॉफ्ट हमें चाहिए या इसका इतना सख्त। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ना जी, ये बेशक 1 घंटा पड़ा रहेगा, ये नरम हो जाएगा, मक्खन जो है वो कड़कड़ाने लग गया है यहाँ पर। मक्खनी शाहजहानी रोस्ट का जो निज़ाम बना रहे हैं वो मियां साहब ने गैस वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है, यहाँ अच्छा बनेगा क्योंकि प्रॉपर एक ही तरह का इस पे गैस आएगा, टेम्परेचर।
मैं दिखा रही हूँ जी जी, हाथ से छूट गया आपके। हाँ, ठीक है, तो मसाले लगे हुए थे ये जी जी, इसको जो मक्खन मैंने गरम किया होता है उसको जो है वो उसके बाद ये इसको पहले थोड़ा पहले एक को हम करके ठीक है ये देखो जी, ये देखें अब उसको मियाँ सब पलट रहे हैं जी। बारी बारी दोनों को करेंगे रोस्ट इस तरह इसको कर। बारी बारी इसको हाँ जी जी, ये सब खुशबू कितनी अच्छी आ रही है मक्खन के साथ जो रोस्ट कर रहे हैं ना। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया खुशबू है इसकी। मक्खनी शाहजहानी रोज इसका तजर्बा करें खाके देखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो आज तक आपने मुर्गा खाया है इसका रोज करके मक्खन में बना हुआ मुर्गा आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल अलग जायका उसको मिलेगा इंशाल्लाह। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको जो है ना वो मक्खन में इस तरह के आगे जी जी थोड़ा और नीचे जी। अब ये ओपन में जो है वो 30 से 40 मिनट तक जो है ना वो इसको रोस्ट करेंगे है ना ओपन में। रोस्ट करने के बाद इसको स्टीम देंगे सॉरी हाँ ओपन में ठीक है जी। मियां साहब जो हैं वो अब नान बना रहे हैं, नान की तैयारियों में शुरू कर दिए हैं। माशाल्लाह चूल्हा उन्होंने जो है वो हीट अप कर लिया, तंदूर जो है इलेक्ट्रिक हमारा तवे पे नान नहीं बना। हाँ चूल्हा है उस पे जी जी।
तो नान के लिए क्या क्या, मक्खन लेंगे, तिल भी लेंगे या नहीं? वो आप लगा सकते हैं, नान खुश करते हैं या मक्खन लगा? नहीं फिर मियां साहब, पूरा पूरा मजा लेंगे। तो ठीक है, मक्खन लगाना है ना, मक्खन भी, तिल भी लगाएं साथ में। तो तिल लगेंगे और मक्खन बाद में आप लगा। मक्खन वैसे भी बहुत ज्यादा लगा। देखें कितना मजे का लग रहा है। हल्का सा पानी, एक टूटी से लिया पानी और लगा दिया इधर। जी कैसी लगी आज की रेसिपी आप लोगों को? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें, चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।